किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, जो मैं आपको बार बार दिखाता हूँ, ये मेरे बाग का दो हिस्से हैं। इसमें एक हिस्से में इस तरफ देखिए, यहाँ से ड्रिप लाइन चलती है, और ये हिस्सा है, इसमें मैंने पिछले साल ये वाली लाइन में पेड़ लगाए थे जो 1.5 वर्ष के हो चुके हैं, ये देखिए। और कल तक मैंने इनमें सफाई कराकर और इनमें खाद डलवाया था गोबर का, जो प्रोम मैं बनाता हूँ, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी हल्की गुड़ाई कराकर इस प्रकार ये देखे ड्रिप से पानी दिला रहा हूँ। और आज इन पहली बार मैंने बोर्डो पेस्ट बनाया है और ये देखिए पौधों में लगा दिया है, किस प्रकार कर दिया है। कुछ पौधे मैंने जो अच्छे पौधे नहीं थे उनको काट दिया है और इनको उसकी जगह दूसरे मैंने पौधे लगाए हैं, देखिए। और इस प्रकार ये ड्रिप द्वारा पानी दिया जाता है। जैसा मैं आपको बताता हूँ कि आपको इनमें नमी बनाए रखनी है, ये देखिए इस पौधे में, और आपको पानी नहीं देना है, बस इतना पानी देना है कि नमी बनाए रखनी है, ये देखिए। और इस प्रकार अगर आप इस पूरे बाग को देखेंगे तो इसमें मैंने आधा बाग मेरा ये तैयार है, जिसमें कि मैंने आज बोर्डो पेस्ट कराया है। ये देखिए किसान साथियों, ये कुछ अमरूद भी लगे हुए हैं, आप देख लीजिए। मैंने ज़्यादा नहीं अमरूद रखे थे पर बहुत अच्छे हैं, ये देख लीजिए। ये ड्रिप लाइन है और मैंने एक ये ऑनलाइन ड्रिप मंगाई है, जिसमें कि ये मैंने 2 ड्रिपर लगाए हैं प्रति पौधा। इनकी कैपेसिटी 8 लीटर पर आवर है और मुझे 5-6 दिन में एक बार पानी देना पड़ता है, ये देखिए। ये पुरानी ड्रिप है जो इनलाइन है, और ये देखिए सभी पौधों को। किसान साथियों, मैं बीच में पावर टिलर वगैरह नहीं चलाता, ये देखिए घास है, जिसे कि मैं जो हमारा ब्रश कटर है उससे महीने में एक बार कटवा देता हूँ। और इस प्रकार ये, लेकिन पौधों के आसपास मेरे पास बहुत से किसानों के फ़ोटो आप भेजते हैं और अपनी समस्या लिखते हैं, और अधिकतर समस्या ये पाई है कि वे इसकी जड़ तक, यहाँ तक उन्होंने कुछ बोया हुआ है, कोई गेहूं बोता है, कोई धनिया बो रखा है, किसी ने कोई सब्जी लगाई हुई है, आलू लगाए हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ, जहाँ तक कैनोपी है इसकी, ये देखिए, और इतनी दूर तक लगभग पौधे के चारों ओर 3 फीट तक आप कुछ मत लगाएं, इसके बाद जो बीच में जगह है वो लगाएं, यहाँ पर जो जगह है इसमें लगाएं, ये देखिए, लेकिन पौधे के पास न लगाएं, ये देखिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से मैं सिंचाई करता हूँ, और ये अब मेरा फाइनल हो गया है, और अगले साल ये एक बहुत अच्छे बाग का रूप धारण करेगा। आप देखिए, कहीं भी कोई बहुत बड़ा घास नहीं है, और अगर आप घूमेंगे आपको अमरूद भी नज़र आएंगे। और ये देखिए, इससे कोई भी तने का रोग होगा, और ड्रिप से पानी देने का ये फ़ायदा है कि आपको जड़ के रोग नहीं होंगे। ये देखिए, ये मेरा अलाहाबादी सफ़ेदा है, देखिए कितना अच्छा अमरूद आया हुआ है, ये देखिए। इस पर मैंने करीब 10-10 अमरूद 1.5 साल के पौधे से लिए हैं, देखिए कितने अच्छे अमरूद आए हैं, आप स्वयं देख लीजिए। किसान साथियों, अब मैंने इसमें प्रत्येक लाइन में एक वैरायटी है, जैसे कि जो लाइन आप देख रहे हैं, ये 6 लाइन मेरी अलाहाबादी सफ़ेदा की हैं, और ये भी लाइन अलाहाबादी सफ़ेदा की है, इसके बाद ये भी लाइन अलाहाबादी, यहाँ तक अलाहाबादी सफ़ेदा है, इसके बाद ये मैंने हिसार सफ़ेदा के पेड़ लगाए हैं, 14 पेड़ हैं, और इसके बाद ये 6 लाइन मेरी धवल अमरूद की हैं, ये देखिए।
ये वाले धवल अमरूद हैं। मैं आपको एक अमरूद भी दिखाता हूँ जिससे कि आप पहचान पाएंगे। और देखिए सभी पौधे, सफाई मैं अच्छी तरह रखता हूँ। जो मेरे दो कार्यकर्ता हैं वो पूरी मेहनत से लगे रहते हैं। ये देखिए ये कितना खूबसूरत अमरूद है, छोटा है क्योंकि ये अंतिम अमरूद है इस पौधे का, लेकिन कितना अच्छा अमरूद है। तो इस प्रकार मैं आपको इसका एक बार चारों तरफ से व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, इधर से देखिए, ये उत्तर की साइड है, ये पूरब की साइड है, और ये दक्षिण की साइड है, और ये फिर पश्चिम की साइड है। किसान साथियों, आप अपने पौधों में एक बात का बहुत ध्यान रखें, इस समय बहुत गहरी गुड़ाई नहीं करनी है। बहुत गहरी गुड़ाई तभी करते हैं जब ताव शुरू करते हैं, तब करते हैं गहरी गुड़ाई। और या दो साल तक पौधे होने पर साल में दो बार करते हैं, और बीच में आपको सिर्फ हल्की खुदाई करनी है। इनमें मैंने पिछले माह नवंबर में खाद दिया था और अक्टूबर में इनकी कटिंग की थी। ये देखिए अब पौधे अच्छे चल रहे हैं। किसान साथियों, एक और समस्या है कि इनमें ये कालापन आ जाता है कभी कभी, अब नहीं है मेरे पौधों में। ये देखिए बिल्कुल साफ हैं, और जब पहली बार इनमें ये कालापन आया था, फंगस आई थी, अब देखिए बिल्कुल साफ हैं। और अमरूद पर भी दाग आ जाते हैं, ये एंथ्रोक्रोनोज नाम की बीमारी होती है। इसके लिए आप हेक्साकोनाजोल का स्प्रे करिए, और ये बीमारी जब वातावरण में नमी बहुत होती है तब आती है। और इसके साथ में अगर आप कोई माइक्रोन्यूट्रेंट का भी स्प्रे कर देते हैं तो भी बहुत अच्छी। देखिए अब इसमें कोई भी बीमारी नहीं है। करीब 20 दिन पहले मैंने स्प्रे किया था और सारी ख़त्म हो गई। किसान साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप भी अपने पौधों की देखभाल इसी प्रकार करेंगे। और पूरी सर्दियों में आपको ये ध्यान रखना है कि पौधों में नमी बनाए रखनी है, जिससे कि आपको जो पाला पड़ेगा या सर्दी का असर बहुत कम होगा या नहीं होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।